अजमेर न्यायालय के आदेश पर कोतवाली थाने में क्रूज हेल्थ कंपनी के खिलाफ एक कर्मचारी ने लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया है। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। थाने के एसआई आरिफ खान ने बताया कि थाना क्षेत्र के रहने वाले विपुल गुप्ता ने बताया कि वह वर्ष 2018 से ग्रुप हेल्थ कंपनी में मैनेजर के पद पर काम कर रहा था और इस दौरान उसके 1.5 लाख रुपये पीएफ के और 4.5 लाख सैलरी के अब तक नहीं दिए गए हैं, जिसके कारण वह मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान है। इस संबंध में कई बार कंपनी के प्रतिनिधियों से बातचीत की गई, लेकिन कोई संपर्क नहीं किया जा रहा है और ना ही उन्हें उनकी रकम लौटाई जा रही है, जिसके बाद वह न्यायालय की शरण में पहुंचे हैं और वहां से मिले निर्देश के बाद इस मामले में परिवाद दर्ज कराते हुए अनुसंधान किया जा रहा है। जी सर, क्या मामला है और किसने दर्ज कराया? श्रीमान एसीजेएम न्यायालय नंबर 1 कोर्ट अजमेर से एक इस्तगासा विपुल गुप्ता ने दर्ज करा न्यायालय में परिवाद पेश किया था, जो 56(3) के तहत थाने पे प्राप्त हुआ। जो करुजो हेल्थ केयर कंपनी है उसमें वर्ष 2018 से वो कार्यरत था एरिया मैनेजर के पद पे और उसके पीएफ कटती थी। उस पीएफ के 1.5 लाख रुपए और कुछ 4,82,000 उसकी तनख्वाह बाकी बता रहे, इसलिए उसने एक वाद पेश किया था जो 420 ही होना बता रहा है, जिसकी जांच मन आयोग द्वारा की जा रही है। कहाँ है ये कंपनी का? कोई ऑफिस नहीं है, वैसे आईसीआई बैंक खाता अकचड़ी रोड पे होने के कारण कोतवाली में जांच शुरू की है। ठीक, आपका आरिफ खान है एसआई।